तो ये मेरे ठीक सामने आप पूरा देख रहे हैं पिथौरागढ़ शहर है। एक राजा थे जिनका नाम था पिथौरा, उनका यहाँ पर किला था, उसके नाम पे इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा और इसको जाना जाता है मिनी कश्मीर के नाम से भी, और ये पूरी सोर घाटी भी इसे कहलाया जाता है, इसका नाम सोर घाटी है पूरी। और काफ़ी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तराखंड का, अपने आप पे खूबसूरती है। और आज हमको करना है इस सिटी का पूरा एक्सप्लोर और यहाँ के सारे डेस्टिनेशन हम लोग कवर करेंगे इस ब्लॉग में। हेलो गाइस, दिस इज़ ओनली योर आदि उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज मैं आया हूँ पिथौरागढ़ सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। जो मेरे गाइड हैं वो आज नीरज भाई, ये पिथौरागढ़ लोकल में रहने वाले हैं, इसलिए ये मुझे पूरा गाइड करेंगे यहाँ के जो विजिटिंग प्लेस हैं। तो इस ब्लॉग में पिथौरागढ़ में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे नज़ारे हैं, पूरा कवर होगा। तो वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो ये है पिथौरागढ़ शहर का एयरपोर्ट, सामने नैनी सैनी, आप आ सकते हैं गाजियाबाद से डायरेक्ट हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ नैनी सैनी में। ऊपर से दिखाई थी मैंने आपको हवाई पट्टी और ये है एयरपोर्ट का मेन गेट, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन महाराज के पार्क पिथौरागढ़ वॉर मेमोरियल, हम लोग पहले डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, इसे बोलते हैं महाराज के मेमोरियल। पिथौरागढ़ शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर झूलाघाट वाली रोड पे ये महाराज के पार्क स्थित है। काफ़ी खूबसूरत है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा पार्क है। तो मेरी जो सेकंड डेस्टिनेशन थी कामाख्या मंदिर, माँ देवी का मंदिर है, यहाँ पे महाराजा पार्क से थोड़ा सा आगे है और इधर के नज़ारे भी ज़बरदस्त है। नीचे पूरा पिथौरागढ़ शहर दिखाई दे रहा है, उधर कहीं एयरपोर्ट है, इधर भी पूरा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। तो यहाँ पे लिखा है पिथौरागढ़ का संक्षिप्त परिचय। पिथौरागढ़ नगर की लंबाई 10 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसके पूर्व में विंड, पश्चिम में सकौली, उत्तर में चंडाक तथा दक्षिण में अंचुली नामक रमणीक स्थल हैं। पिथौरागढ़ नगर को सोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में इसमें विभिन्न राजवंशों का सैन्य स्थल रहा होगा, जिसमें मल्ल, बम, चंद, गोरखा एवं अंग्रेजों ने अपना प्रशासन इस घाटी में रहकर चलाया। पिथौरागढ़ की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1919 के महायुद्ध में पिथौरागढ़ के क्षेत्र के 1005 सैनिकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 32 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इस बात का उल्लेख पिथौरागढ़ किले की दीवार पर किया गया है। किले का इतिहास। पिथौरागढ़ किले को गोरखा किला एवं लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। गोरखा शासन में कुछ दस्तावेजों में इसे बाउल की गढ़ नामित किया गया है। नगर में ऊंचे स्थान पर होने के कारण यहां से शत्रु पक्ष पर आक्रमण करते हुए आत्मरक्षा की जा सकती थी। 6.5 नाली भूमि में फैला यह किला चारों ओर से एक अभेद्य परकोटेनुमा सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। किले की लंबाई 88.5 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर था, ऊंचाई लगभग 8.5 मीटर है। इस किले से 9 ठाकुर सोर के 9 किलों उदयपुर कोट, ऊंचा कोट, भाट दूनी कोट, बेलौर कोट, डूंगर कोट, बल कोट, थर कोट और सहज कोट को देखा जा सकता है। तो हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है जो था वह है लंदन फोर्ट या पिथौरागढ़ किला।
उसके बारे में इतिहास मैंने आपको बता दिया। अंदर देखते हैं किला कैसा है। मैप यह है, किले का लेआउट है जो पूरा। यहाँ पे म्यूजियम है, जो व्यू पॉइंट है, मोहनी रेस्टोरेंट है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, लोकल कैब सेंटर है, और एंट्रेंस यहाँ से है जहाँ से हम घुस गए, और उधर कहीं पे वॉशरूम है। यहाँ व्यू पॉइंट है पूरा, लोकल टूरिज्म प्लेस। अब जो लोकल टूरिज्म प्लेस है उसमें मोस्टमानु टेम्पल, दो हमने कवर कर लिए हैं, कपिलेश्वर महादेव, नकुलेश्वर टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, महाराजा पार्क, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट डेस्टिनेशन में महाराजा पार्क दिया था, सेकंड में कामाख्या टेम्पल हो गया, थर्ड में ये फोर्ट हो गया, इसके बाद हम मोस्टमानु टेम्पल जाएंगे। इसके बाद हम लोग तो नीचे है पूरा पिथौरागढ़ शहर, और बीच में दिखाई दे रहा है यहाँ का स्टेडियम। अब हम पहुँच चुके हैं, जय माँ उल्का, तुम्हारी सदा ही जय हो, उल्का देवी टेम्पल। तो यह है उल्का देवी मंदिर। और इस टेम्पल के आगन से पूरे शहर का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। एक साइड आज बादल आ गए हैं, हो सकता है कि कल को यहाँ बर्फबारी भी हो सकती है। तो अब पहुँच चुके हैं चंडाक, इसके लिए इस पत्थर के ऊपर चलना पड़ेगा मेरे को पहले। ये पत्थर के ऊपर चढ़ के देखते हैं व्यू का नज़ारा। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है और इसे सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं, और यहाँ से पूरे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, और ठंडा बहुत ज़्यादा है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, थोड़ा नहीं आ रहा होगा हवा का, क्योंकि अभी आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2020, और मौसम भी थोड़ा ख़राब है। तो हम पहुंच चुके हैं मोस्टमानु मंदिर, जो आज का लास्ट डेस्टिनेशन है। पिथौरागढ़ से करीब 9 किलोमीटर दूर इसकी डिस्टेंस है। और काफ़ी खूबसूरत है, देख के लग ही रहा होगा आपको। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, जब पढ़ते हैं क्या लिखा होगा। मोस्टमानु मंदिर पिथौरागढ़ शहर के अधिकांश दिव्य स्थलों में से एक मंदिर है। मंदिर मुख्य शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, पिथौरागढ़ किले के नज़दीक स्थित है। इस पहाड़ी मंदिर से पूरे शहर का और ऊंची घाटी का एक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध छोड़ने के लिए निश्चित है। मंदिर का परिसर बड़ा है और आप यहां कुछ गुणवत्ता का समय बिता सकते हैं।
मंदिर का निर्मल समय वातावरण आपको शरीर की और आत्मा को फिर से जीवित बनाने के लिए निश्चित है। तो ये सब कुछ मैंने लिखा था मंदिर के बारे में। और मंदिर है काफ़ी हाइट में और यहाँ पर एक भजन भी बज रहा है बहुत अच्छा। तो ये सामने टेंपल है मोस्मानु देवता का, अभी यहाँ भजन हो रहा है और काफ़ी भीड़ है क्योंकि यार न्यू ईयर का पहला दिन है तो सब लोग यहीं पूजा करने आए हुए हैं। तो अभी हम हैं पिथौरागढ़ की मार्केट में। तो अभी फिलहाल हम दूसरी कौन सी मार्केट में है, शिमलगैर बाजार है। ये शिमलगैर बाजार है, यहाँ अलग अलग मार्केट का नाम है। तो उसमें ये शिमलगैर बाजार है जहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं। बहुत सारी क्लोथ की दुकान है, स्ट्रीट फूड में जो भी देखा जा रहा है मोमो चाउमीन है, तिब्बतन से ज़्यादा ये इंस्पायर है मार्केट। और जो वूलन क्लोथ हैं वो बहुत ज़्यादा है, खैर भी सर्दियों का टाइम है तो ज़्यादा होने भी चाहिए। अच्छी खासी मिठाइयों की दुकान है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आ गई पूरी। तो दोस्तों ये था पूरा पिथौरागढ़ शहर और जोशी जी को मैं बोलता हूँ थैंक यू, इन्होंने मेरे को सारे डेस्टिनेशन दिखा दिए। सिर्फ दो हमारे डेस्टिनेशन इसमें बच गए, एक था थलकेदार और एक कल्पेश्वर मंदिर, वो आप घूम सकते हो आराम से यहाँ आके, क्योंकि वो भी उसी के पास ही है जो आपका पहला हमने महाराजा के पार्क देखा था उसके पास ही है थलकेदार भी और कल्पेश्वर मंदिर भी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना, का अच्छा लगा तो, और ज़्यादा शेयर करना, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है तो उसको दबा देना ताकि चैनल में जो नेक्स्ट ब्लॉग आपको दिखाई दें हमारे उत्तराखंड की देवभूमि के वो आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको पहला ब्लॉग ऐसे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।